जब भी अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में लगाने जा रहे हैं तो इन रिस्क को फेस करने के लिए तैयार रहिए। आइए जानते हैं वो कौन से रिस्क हैं जो फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते वक्त हो सकते हैं। एफडी भी रिस्क के साथ होती है। एक एफडी या बैंक एफडी आमतौर पर डेट इंस्ट्रूमेंट क्लास के बीच सबसे सुरक्षित निवेश वैली है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसके लिए साइन अप कर रहे हैं। आप एक निश्चित रिटर्न के लिए एक राशि का निवेश करते हैं जिसे आप पहले से जानते हैं। आप उस अवधि को भी जानते हैं जिसे आप निवेश कर रहे हैं, इसलिए ये भी तय है। अधिकतर एफडी बाजार से जुड़े नहीं है, इसलिए इसमें कोई अस्थिरता शामिल नहीं है। यही वजह है कि कुछ रूढ़िवादी निवेशक इन्हें पसंद करते हैं। एफडी शुरू करने के लिए आपको बैंक के साथ बचत खाते की आवश्यकता होती है। कुछ बैंक इसे माइनस सेविंग अकाउंट खोलने की अनुमति भी देते हैं। हालांकि आपको ये याद रखना चाहिए कि एफडी कई निवेश उत्पादों की तरह रिस्क फ्री नहीं है। ऐसा डिपॉजिट रेड फ्लैग के अपने हिस्से के साथ आता है। यह 5 रिस्क हैं जिन्हें आपको देखने की आवश्यकता है। लिक्विडिटी रिस्क। बैंक एफडी को आसानी से लिक्विडिटी में बदला जा सकता है, मतलब कोई भी मैच्योर की डेट से पहले उसकी एफडी को तोड़ सकता है। हालांकि एक जुर्माना लगाया जा सकता है और जुर्माना राशि एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न होती है। टैक्स सेविंग एफडी के मामले में एफडी की भिन्नता 5 साल के कार्यकाल के पूरा होने से पहले वापस ले सकते हैं। डिफॉल्ट रिस्क। बैंक की चूक दुर्लभ लेकिन संभव है। हालांकि प्रति बैंक खाते में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए तक की ब्याज समेत जमा राशि की गारंटी दी जाती है, और इस तरह की दुर्घटना के मामले में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा तय किया जाता है, और इससे अधिक राशि डिफॉल्ट रिस्क के संपर्क में आती है। इन्फ्लेशन रिस्क। समय पर एफडी रिटर्न मुद्रा स्फीति या उससे भी कम के आसपास हो सकता है, जिसके निवेशक के लिए धन का क्षरण होता है, क्योंकि नेट वैल्यू कुछ भी नहीं आता है। इससे इंडेक्सेशन प्रावधान नहीं है। इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। बैंक एफडी लंबे समय तक रिटर्न के कम दर पर लॉक होने का जोखिम उठाते हैं। अधिकांश बैंक कुछ समय के लिए अपने एफडी पर दरों में कमी कर रहे हैं। यदि आप एक निश्चित आय निवेशक हैं, तो मूल रूप से एक एफडी से ब्याज आय पर निर्भर करते हुए आपको दर सहना होगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। गिरती ब्याज दर के माहौल में एफडी जो जल्द परिपक्व होने के कारण होते हैं और संचय विकल्प के तहत आते हैं, यानी मैच्योरिटी के समय कम दर की पेशकश के लिए बाध्य हैं, या आपके हाथ में कम पैसा होने की वजह से मैच्योरिटी पर आपके कारण ब्याज पर लगाम लगेगी। तो दोस्तों, इसी तरह की बाकी अपडेट्स लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए ओके क्रेडिट। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही हर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएगा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।